पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सर प्रयास वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित सीता रसोई हर दिन समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रही है। क्षेत्र में जगह जगह समाज सेवा करते हुए निशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। सीता रसोई रथ के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर हर दिन निशुल्क भोजन वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में आज भी नई तहसील पर सीता रसोई रथ के माध्यम से निशुल्क भोजन वितरण किया गया। इस अवसर पर सीता रसोई पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मयंक गुप्ता और आदित्य गुप्ता ने विधि विधान के साथ पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मयंक गुप्ता और आदित्य गुप्ता ने गरीब लोगों को भोजन वितरण किया और सभी को भरपेट भोजन कराया। इस अवसर पर संस्था के सभी सदस्यों ने कहा कि मयंक गुप्ता और आदित्य गुप्ता के द्वारा समाज हित में कार्य करते हुए सहयोग किया गया है वो वाकई सराहनीय है। इस दौरान आए अतिथियों ने भी सीता रसोई रथ को संचालित करने वाली समिति को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि जिस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम ये रसोई रच रही है वो वाकई सराहनीय है। भाइयों को जय श्री राम बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आज तहसील सदर मुरादाबाद पे हम लोग आए हुए थे। आज तहसील दिवस होता है, यहाँ पर दूर दराज गाँव से क्षेत्र से लोग आते हैं जो सुबह से आकर के अपनी फरियाद लेकर के आते हैं, तो उनको भोजन खिलाने के लिए, उनको वितरण करने के लिए सीता रसोई भोजन रथ आज हम लोगों ने तहसील पे लगाया हुआ था। बहुत अच्छा रहा लोगों को, हमने 200 से 250 लोगों को यहाँ पर भोजन खिलाया और समाज सेवी लोगों के द्वारा उद्घाटन भी किया गया। कई नए लोग भी आज हमारी संस्था से जुड़े, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, आज हमने तहसील पे लगाया और हमें बहुत बढ़िया लगा। हमने सोचा कि तहसील पे भी लोग बाग मतलब जरूरतमंद है और यहाँ काफ़ी लोग आए और काफ़ी धन्यवाद दिया लोगों ने और बहुत अच्छा लगा। हमारे तो जिला अस्पताल और साई हॉस्पिटल और मतलब जो है विवेकानंद लगता ही है, लेकिन आज हमने शुरुआत यहाँ से भी की है और जगह जगह चाहते हैं पूरे शहर में हम गाड़ियाँ लगाएं इस तरह से और समाज सेवा करते रहे। हमने लोगों का अनुरोध को मानते हुए हमने ये जो सीता रसोई का हमने आज यहाँ प्रोग्राम कर लिया और हमने देखा कि यहाँ काफ़ी ज़रूरतमंद आते हैं, दूर दूर से आते हैं अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए। और ये तहसील दिवस जो भी है ये समाधान दिवस के आता है, सब विभाग के अधिकारियाँ पर बैठते हैं, समस्या जिनकी होती है संबंधित विभाग की कुछ तो ही निपटान कराया जाता है और नहीं तो काफ़ी फॉरवर्डिट होकर अपने और चली जाती है। हम जो है हर महीने के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को लगाएंगे। अब हमारी जो रसोई लगेगी 4 दिसंबर शनिवार को लगेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।